हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महास महाराजा अजय देवगन सर कहने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्म मूवी सिंघम अगेन, जो कि दिवाली पर थिएटर्स को स्टेडियम में बदलने वाली। और यहां पर भाई साहब इस मूवी के ट्रेलर को आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिला है। ट्रेलर में जिस तरीके से रोहित शेट्टी सर ने भाई साहब इस पूरी मूवी को रामायण के साथ कनेक्ट किया है, आउटस्टैंडिंग है। यस, यानी कि पर्सनली ट्रेलर इज आउटस्टैंडिंग। लेकिन अब जो फैंस है वो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब ट्रेलर तो आ चुका है, लेकिन अब इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो कब तक आने वाले हैं, सॉन्ग्स को लेकर क्या अपडेट्स आ रही हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसी अपडेट्स को देख सके। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर टोटल कितने सॉन्ग्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई सवाल करते हैं। तो यहाँ पर लिटरली मैं आप सभी को पहले बता दूं कि मेरे पास टोटल सॉन्ग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन तीन सॉन्ग्स को लेकर मेरे पास अपडेट आई है कि ये तीन सॉन्ग इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। यस, कहने के यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी के अंदर अजय देवगन सर और करीना कपूर मैम का एक सोलो सॉन्ग होने वाला है, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है, जिसमें हमें ये दोनों भाई साहब नजर आने वाले हैं। और उसके बाद जो सेकंड सॉन्ग को लेकर अपडेट आई है वो ये है कि इस मूवी के अंदर फुल स्टार कास्ट, यानी कि जैसे आप सभी ने सूर्यवंशी में देखा था आइला रे आइला जो सॉन्ग था, वहां पर अजय देवगन सर, अक्षय कुमार, उसके अलावा रणवीर सिंह, तीनों हम एक साथ नजर आए थे डांस करते हुए। तो ऐसा हो सकता है कि सिंघम अगेन मूवी के अंदर भी भाई साहब जितने कैमियोज हैं इन सब का एक सॉन्ग हमें देखने को मिल सकता है। ये सीनी के इस सॉन्ग को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपडेट्स है। और थर्ड नंबर पर जो सॉन्ग आता है वो रामायण, यस, कहने की यहाँ पर रामायण के साथ अगर इस मूवी को कनेक्ट किया गया तो भाई साहब आपको एक सॉन्ग ऐसा भी देखने को मिलने वाला है। यस, कहने की यहाँ पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है रोहित शेट्टी सर के ऊपर, क्योंकि अगर उन्होंने मूवी को रामायण के साथ कनेक्ट किया तो भाई साहब वो एक सॉन्ग ऐसा लेकर आएंगे। और पर्सनली अगर ऐसा सॉन्ग आ जाता है तो थिएटर ऑलरेडी स्टेडियम में कन्वर्ट होंगे, तो थिएटर ब्लास्ट हो जाएंगे। यस, कहने के यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है इन तीनों सॉन्ग्स के। भाई साहब ये तीन सॉन्ग्स की मेरे पास अपडेट दे, इसके अलावा अगर कोई सॉन्ग होता है तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इन तीन सॉन्ग की मेरे पास अपडेट थी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि सॉन्ग कब तक रिलीज हो सकता है, तो आप सभी को पता है कि अब इस मूवी को रिलीज होने में कुछ ज्यादा समय बाकी नहीं है, यानी कि लगभग 20 दिन बाकी इस मूवी को रिलीज होने में। तो यहाँ पर मेकर दो सॉन्ग जरूर रिलीज करेंगे। यस, कहने के यहाँ पर मेकर दो सॉन्ग रिलीज करेंगे, उसमें जो फर्स्ट सॉन्ग होने वाला है वो शायद आपको मंडे या ट्यूसडे वाले दिन देखने को मिल सकते हैं। आज अनाउंसमेंट भी हो सकती है, शायद मंडे तक आपको ये जो सॉन्ग है फर्स्ट सॉन्ग इस मूवी का वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेकर मूवी की रिलीज से पहले दो सॉन्ग लाजमी रिलीज करेंगे। दो से ज्यादा कर दे तो भाई साहब अच्छा होगा, लेकिन दो सॉन्ग लाजमी रिलीज करने वाले। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं सिंघम अगेन मूवी के लिए और सिंघम अगेन मूवी के सॉन्ग्स को लेकर, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि को देख सकें।